तो चाहे धर्म कोई भी हो, अंतोगत्वा सभी की जो जड़ है वो हमें यही सिखाती है कि मानवता का धर्म सबसे ऊपर होता है और धर्म और तमाम जो चीजें होती है उसके पश्चात आने का काम करती है। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, आला बेका फैल हल्के कुल्ली मौला या वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है ईद मिलादुन्नबी, आप सबको ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। तो अभी मैं जा रहा हूँ जुलूस में, तो आप मेरी वीडियो के साथ बने रहें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें जो मेरे चैनल में नए हैं। प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा देना जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। आला भी बेका फैल हल्के कुल्ली मौला या फाली, काहे से कानूर का मौला या फाली वसल्लम दाइमन आबाद। आला भी बेका फैल हल्के कुल्ली नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सदगराना नूर ना, मौला या सल्ली वसल्लम दाइमन आबाद। आला हबीब बेका फैल हल्के कुल्ली सरकार की। दोस्तों अभी कुछ देर में यहाँ से रजा क्लब से रजा क्लब की तरफ मौजूद हूँ, और यहाँ पर से देखिए अभी कुछ ही देर में जुलूस से मोहम्मद ही निकलेगा। देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ से अभी निकलेंगे, हमारे भतीजे हमारे भाई। है महबूब खालिक हमारा नबी, खुदा सबको दे ऐसा प्यारा नबी, खुदा सबको दे ऐसा प्यारा नबी। और कहाँ हुस्ने यूसुफ कहाँ नूरे खालिक, कहाँ हुस्ने यूसुफ कहाँ नूरे खालिक। न देखा सुलेखा ने हमारा नबी, न देखा सुलेखा ने हमारा नबी, है महबूब खालिक हमारा नबी। अब भवन ने सती है गुलामों की नैया, गुलामों की नैया बेदारी मिले कुछ गिरे आका, तेरे दर के भिखारी मिले कुछ गिरे तेरे दर के भिखारी, गरीबों को सुनता गरीबों को सुनता बना देने वाले, गरीबों को सुनता बना देने वाले। जब बुझ से पाते हैं जब पाने वाले, या रसूल अल्लाह और सुधारा इधर ही भी
तो दोस्तों यहाँ पर लोग आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर में ही यहाँ से जुलूस निकाल लिया जाएगा कुछ देर में। भाई अमर देव कितनी खूबसूरत नाच गा रहे हैं माशाल्लाह। ये तेरा काम मेरा बिना के ईद मिलाद नबी मुबारक हो आपको भी, आपको और जो भाई देख रहे हैं उन सबको ईद मिलाद नबी मुबारक हो। यह हमारे सलीम भाई का इमामा बन रहा है और रियान भाई बांध रहे हैं। दोस्तों कुछ ही देर में अभी जुलूस मोहम्मदी यहाँ से रजा क्लब से निकलेगा नैनीताल की गलियों में, नैनीताल की सड़कों पर। तो आप मेरे साथ बने रहे, शुरू से लास्ट तक वीडियो देखना। मरहबा मरहबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताज़ारे सत्मे नबूवत, ताज़ारे सत्मे रिसालत, सुल्तानुल अंबिया। ये छोटे छोटे बच्चे निकल रहे हैं जुलूस मोहम्मदी में माशाल्लाह। तेरे पास जरूर है, हम जानते हैं तेरे पास है, हम पता के तेरे पास भी सफा में आगे है। तेरे पास मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदर है कि नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत की तौसीफ है कि नहीं है, रसूलुल्लाह की जान। दोस्तों जुलूस निकल पड़ा है, जुलूस मोहम्मदी। सुनाए सारा जग क्या
तुम कर वो मुझे पास बुलाए तो जब क्या तुम कर वो मुझे पास बुलाए दोस्तों देखो छोटे छोटे बच्चे जलूस मोहम्मदी में शामिल होते हुए माशाल्लाह 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 नैनीताल के बाजार में देखिए मोहम्मद के चाहने वाले हमारा उत्तराखंड जो है इस सवाल में नहीं आ सकता क्योंकि उत्तराखंड की कयादत कोई और नहीं बल्कि अली कलाजना मखदूम अली अहमद साबिर कलियरकी से जमीन पकड़ रहा है। नमा हमारा हिंदुस्तान कल मोहताज था ना आज मोहताज है, इसलिए इस हिंदुस्तान के ऊपर बड़े बड़े महात्माओं का और बड़े बड़े औलिया अल्लाह की नजर है। मैं हिंदुस्तान है।
Yeah.
मोहम्मदी यहाँ पहुंच गया मस्जिद के पास। ये सामने की तरफ देखिए जामा मस्जिद है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है।
कि जिनको सुनते जाए तो दिल करता है सुनते ही जाए, उनकी करामतें उनके मौजूदात सुनते जाए, ईमान तरो ताजा होता रहता है और दिल कहता रहता है वाह रहमतुल्लिल आलमीन की क्या शान है कि दुनिया में ऐसी कोई दूसरी मिसाल दुनिया में हमको नहीं मिलती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज है मौला ताला कोई लफ्ज शरीयत ताहिरा के खिलाफ निकला हो तो मैं तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्मी वा तौब इलैह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों जुलूस के बाद यहाँ पर प्रोग्राम यहाँ पर मैं आया हूँ, थोड़ा लेट हो गया, घर चले गया था, इस वजह से अभी जब मिलाद शरीफ कम्प्लीट हो जाएगी तो मैं यहीं पर वीडियो पर भी एंड कर दूँगा। करीम सल्लम के मौजज़ा आपका हुस्न अख़लाक ज़माने के सामने आपके सामने मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं तार मंडल के महासचिव जनाब त्रिभुवन फर्तियाल जी का कि वो तशरीफ़ लेकर के आए, गज़ालाबाजी का और बिसत असर का कि वो इतना मशहूर वक्त निकाल करके हमारे लिए तशरीफ़ लेकर के आए। मैं बड्डू जी का भी नगर अध्यक्ष जी का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लेकर के आए। मैं सुनील मेहरवान जी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं जयवंती भट्ट जी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लेकर के आए और बिलखसूस मेरे दोस्त मनोज जगाती साहब का भी कि वो अभी अपने इसमें टाइम निकाल करके लेकर के आए। मैं गुजारिश करूँगा कि उपाध्यक्ष जनाब फहीम भाई से के वो फतेहाल जी को शॉल पेश करें। फतेहाल जी मैं खालिद भाई से गुजारिश करूंगा कि मनोज जगाती साहब को भी शॉल पेश करें और मैं सदर साहब फिरोज खान साहब से गुजारिश करूंगा कि जयवंती भट्ट जी को भी शॉल पेश करें और मैं नसीम भाई को गुजारिश करूंगा कि वो गजाला कमाल बहन को भी शॉल पेश करें। जनाब नसीम साहब मैं आशु बख्श सर से गुजारिश करूंगा कि वो मेहता सर को शॉल पेश करें और मेहता सर आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि हम आप इतना मशहूर टाइम निकाल करके लेकर के आए, बहुत शुक्रिया। मैं नगर अध्यक्ष जी का भी स्वागत करूंगा। मैं खालिद भाई से कहूंगा कि बड्डू जी को भी शॉल पेश करें। बड्डू भाई मैं जमीर भाई से कहूंगा मैं सुनील दा को भी शॉल पेश कीजिए। मैं त्रिभुवन फर्तियाल जी से गुजारिश करूंगा कि वो दो लफ्ज आकर के कुछ मंच पे कहें। परम आदरणीय मुफ्ती साहब से लेकर आप सभी को आज के इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जहां तक मेरी आवाज जा रही है आप सभी साथियों को सब परिवार आप लोगों को आज के इस महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं ढेर सारी बधाइयां। बहुत ज्यादा औपचारिकता इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि नामों की औपचारिकता करने में बहुत लंबा समय चले जाएगा। मेहमान जो हमारे जो इस कार्यक्रम में बतौर मेहमान यहाँ पर जो शिरकत कर रहे हैं हमारे बिशन सिंह मेहता जी जो सम्मानित हमारे प्रधानाचार्य जी भी हैं और डीएसए के सम्मानित उपाध्यक्ष जी भी हैं, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारे अनुपम कबड़वाल जी, हमारे नगर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित महासचिव महामंत्री बंटू आर्य जी, हमारी हम सब की अजीज गजाला मैडम, मेरी भाभी के रूप में कहो या मेरी दीदी के रूप में कहो जीवंती भट्ट जी, हमारे पूर्व सभासद मनोज जगाती जी, यहाँ जितने भी हमारे अभी सिख समाज के भी हमारे यहाँ साथी यहाँ मौजूद थे उनकी गैर मौजूदगी में उन सभी को मैं एक सूत्र में पिरोते हुए और आप जहां तक मेरे जितने भी हमारे मेरे से जो वरिष्ठ हैं उनको भी मैं प्रणाम करते हुए, जो मेरे साथी सहयोगी हैं उनको भी प्रणाम करते हुए और जो छोटे बच्चे हैं उन सभी लोगों को
मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं। और विशेषकर मैं जो इस कार्यक्रम के जो कमेटी के जो सम्मानित पदाधिकारीगण हैं, मैं दिल की गहराइयों से मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे ये शुभ अवसर दिया कि मैं आप लोगों के इस बेहद पवित्र कार्यक्रम में मैं शिरकत करने का काम करूं। इसके लिए जो आपने मुझे जो नजरे इनायत बख्शी है, मैं इसके लिए दिल की गहराइयों से, तहे दिल से आपका आभारी हूं और बहुत धन्यवाद आपको ज्ञापित करना चाहता हूं। मैं अपने संबोधन के उसमें एक, क्योंकि एक विषय को मैं कह रहा था कि कभी कभी ऐसी स्थिति में हम खड़े होते हैं कि आप बोले क्या, यहां पर इतने बड़े बड़े पुरोधा बैठे हुए हैं। मैं मुफ्ती साहब को भी अभी सुन रहा था, उर्दू की जबान पे आपका जो कमांड है वो काबिले गौर भी है और काबिले तारीफ भी है, और ऊपर वाले के दया कृपा से आप पर जो नजर इनायत अल्लाह ने बख्शी है, छोटी सी उम्र में आप एक इंसाइक्लोपीडिया, एक शब्द होता है, एक संस्था के रूप में जो आप यहाँ प्रतिस्थापित हुए हैं, मैं उसके लिए भी आपको साधुवाद प्रकट करना चाहता हूँ, बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। मेरी उर्दू बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि उर्दू में हमारा थोड़ा हाथ तंग है, लेकिन मेरी भावनाएं उतनी ही पवित्र है जितनी आप लोगों की है। मैं एक उदाहरण, एक संस्मरण आपको सुनाना चाहता हूं। जितनी शिद्दत के साथ मैं अपने हिंदू धर्म के अनुसार अपने मंदिरों में मैं मत्था टेकने का काम करता हूं, मैं अपने उस ईश्वर को याद करने का काम करता हूं, उतनी ही शिद्दत से मैं हमारे अगर जो मस्जिद से अगर हम गुजरते हैं, हम जब अपने मस्तिष्क को वहां झुकाते हैं, उतनी श्रद्धा उतनी भाव के साथ हम लोग उसको छुपाने का काम करते हैं, उसको दिल से मानने का काम करते हैं। और ना केवल मस्जिद बल्कि अगर हमारा जो गुरुद्वारा है, हमारे जो क्रिश्चियंस के जो हमारे जो गिरजाघर हैं, हम उसी सम्मान के साथ, उसी भावना के साथ, उसी पवित्र भावना के साथ आप अपने शीश को झुकाने का काम वहां पे करते हैं। मेरी मनसा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं है, लेकिन मैं इस बात को इस मंच से जरूर कहना चाहता हूं, इस मंच को, क्योंकि आपने मुझे ये शुभ अवसर प्रदत्त किया कि मैं अपनी भावनाओं को आपके सम्मुख व्यक्त कर सकूं, तो मैं इसका लाभ लेते हुए मुफ्ती साहब मैं दो तीन विषय को जरूर कहना चाहता हूं कि जितना मैं समझ पाया हूं। मैं एक बार मैं एक संस्मरण की बात कर रहा था, मेरे एक साथी, मेरे बहुत सारे साथी, शहनाज भाई बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, मेरे बहुत सारे साथी हमारे पारिवारिक हमारे संबंध हैं, हम एक जगह कहीं जा रहे थे खेल के सिलसिले में, तो मस्जिद के पास से हम गुजरे तो ऐसे दीन इलाही लिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम का मैंने एक उच्चारण करने का काम किया, और संभवतः मेरे से कुछ शब्दों के चयन में गलती निश्चित रूप से हुई होगी। तो एक ने मुझे, मेरे एक मुसलमान भाई थे, उन्होंने मुझे टोका और उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया कि तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम ऐसे कर रहे हो कि तुम्हारी जो प्रार्थना है वो कबूल होगी। तो मैंने एक उदाहरण देने का काम किया, मुझे आप लोग माफ करिएगा मेरी भावना, मैंने जैसे मैंने कहा कि मेरी किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का मेरी मंशा नहीं है। मैंने उससे कहा कि एक बच्चा, जो ये छोटा बच्चा जो ग्रुप में आपके बैठा है, जो 5 साल का 6 साल का बच्चा, एक नादान बच्चा, आपको अगर एक चिट्ठी लिखे, एक पत्र लिखे अपने पिताजी को, अपने वालिद को, तो आप जब उस पत्र को प्राप्त करेंगे तो क्या आप उस पत्र में उसके लेख को देखने का काम करेंगे मेहता साहब, या उसकी भावना को देखने का काम करेंगे? तो उसने कहा था भावना को देखने का काम करेंगे। तो मैं उसी प्रकार से उस ऊपर वाले का, उस परवरदिगार का बच्चा हूं, जिस भावना के साथ मैंने अपने वहां सजदा किया है, निश्चित तौर पर मेरी वो जो प्रार्थना है वो कबूल होने का काम करेगी। मैं इस वाली बात को मैंने उनसे कहने का, और चाहे मजहब कोई भी रहे साहब, जैसे अभी आपने मुफ्ती साहब ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो उन्होंने तमाम जो आयतों के माध्यम से कहिए या उदाहरणों के माध्यम से कहिए, उन्होंने बहुत सारे संस्मरण सुनाने का काम करा, तो चाहे धर्म कोई भी हो, अंतोगत्वा सभी की जो जड़ है वो हमें यही सिखाती है कि मानवता का धर्म सबसे ऊपर होता है, और धर्म और तमाम जो चीजें होती है उसके पश्चात आने का काम करती है, और जो गलत है चाहे वो किसी भी धर्म में किया जा रहा हो, किसी भी धर्म के मानने वाले द्वारा किया जा रहा हो, वो गलत ही है। मैं बहुत अधिक ना कहते हुए, क्योंकि ऐसे महान
व्यक्तित्व का अगर हम ये कहें कि वो ईश्वर का ही रूप थे, आपने अलग शब्दों में आपने कहा और हमने अलग शब्दों में कहा साहब, लेकिन मनसा भावना दोनों वही है कि ऐसे शख्सियत का आज जन्म दिवस भी है और मरण दिवस भी है। ऐसे लोग अगर आप इतिहास के पन्नों को उठाने का अगर आप काम करें, किसी भी धर्म के भी अगर आप ग्रंथों को उठाकर देखने का काम करें, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जितने भी महान व्यक्तित्व हुए, जितने भी लोग, जितने भी जिनको हम लोग मानने का काम करते हैं, चाहे हम किसी धर्म के हैं, किसी समुदाय के हैं, वो एक आम मानस की तरह, एक आम मनुष्य की तरह मुफ्ती साहब इस धरती में उन्होंने जन्मने का काम किया, वो पैदा होने का काम उन्होंने किया। चाहे आप अभी हम मोहम्मद पैगंबर साहब की बात कर रहे थे, उन्होंने एक आम इंसान के तौर पर इस धरती पर उन्होंने अवतरण करने का काम किया, जन्म लेने का काम किया। आप यीशु मसीह भगवान की बात अगर आप करें, प्रभु यीशु मसीह की बात अगर आप करें, उन्होंने भी एक इंसान के रूप में इस धरती में अवतार लेने का काम किया। अगर आप गुरु नानक भगवान की बात करें, तो गुरु नानक भगवान ने भी एक इंसान के रूप में इस धरती में जन्म लिया। आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की अगर आप बात करें, तो उन्होंने भी एक इंसान के तौर पर इस धरती पर उन्होंने अवतार हुए, और श्री कृष्ण भगवान भी उसी एक इंसान के रूप में, एक आम इंसान के रूप में उन्होंने अवतार लेने का काम किया। हम कभी क्या इस विषय को सोचने का काम करते हैं? क्या कभी हम ये सोचते हैं, कभी इस पे हम लोग मनन करने का काम करते हैं कि चाहे धर्म कोई भी रहा हो साहब, जितने भी अवतार पुरुष हुए, जितने भी महान लोग हुए, जितने भी ईश्वर के अंश हुए, ऊपर वाले के अंश हुए, उन्होंने एक आम इंसान के तौर पर मेहता जी इस धरती में अवतार लेने का काम करा दिया जी, क्योंकि उन सब का मंतव्य, उन सब की भावना एक ही रही कि एक इंसान के तौर पर वो धरती पर रहे हुए हम आम इंसानों को ये शिक्षा देने का काम करें कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, अमन और चैन सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो ये इंसानियत का धर्म है। अभी आप मुफ्ती साहब को मैं बहुत गौर से सुन रहा था, जो कि जैसे मैंने बताया मेरी उर्दू में मेरे जरा थोड़ा बहुत ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है, मुझे ज्ञान कम है, लेकिन बावजूद उसके मैं जितना समझ पाया, बस इतना समझ पाया कि सार यही है, चाहे कितने गीता पढ़ लीजिए, कितने कुरान पढ़ लीजिए, कितने अन्य धर्मों के अगर आप पढ़ लीजिए, अगर आप बेहतर इंसान नहीं है तो आपको किसी भी धर्म को मानने के लिए आप उसके लायक नहीं है। सबसे पहले अगर आपको एक बेहतर मुसलमान बनना है, अगर आपको बेहतर हिंदू बनना है, अगर आपको एक बेहतर क्रिश्चियन बनना है, अगर बेहतर आपको एक सिख बनना है, तो सबसे पहले अगर उसकी एक ही शर्त है वो है मानवता की। एक अच्छे मानव बनने का आप काम करिए, एक अच्छे इंसान बनने का आप काम करिए, निश्चित तौर पर तभी आपकी ये प्रार्थना, तभी ये आपकी तमाम जो आप हम लोग जिस किसी रूप में हम ऊपर वाले को जो हम मानने का काम करते हैं वो कबूल होगी। मैं बहुत अधिक ना कहते हुए, क्योंकि के लिए जाना जाता है, और नैनीतालियत होना या नैनीताल का होने का मतलब मुफ्ती साहब ये है कि जितने भी हमारे यहाँ पर धर्म के लोग हैं, जितनी खुशी के साथ, जितने दिलों के साथ हम अपने दीपावली को मनाते हैं, उसी भावना के साथ हम अपने ईद को मनाने का काम भी करते हैं। हम अपने जो गुरु हमारे गुरुद्वारे साहिब में जो हमारा जो महापर्व होता है, गुरु नानक जयंती होती है, हम उसी भावना के साथ उसको मनाने का काम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह भगवान के भी हम उसी प्रकार से बड़े दिन को भी मनाने का काम करते हैं। यही नैनीताल की खासियत है। मैं पुनः आप सभी लोगों को इस महान पर्व पर, इस महान अनुष्ठान पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इसी प्रकार से अल्लाह ताला हम सभी के ऊपर अपनी रहमत करम बरसाए, हमारे परिवार सुखी रहे, हमारा शहर सुखी रहे, समृद्ध रहे, हमारा उत्तराखंड सही सलामत रहे, हमारा पूरा देश पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाए, और जो आज जो माहौल है उस माहौल से निकलकर हम इंसानियत की पथ की ओर अग्रसारित होने का काम करें। इसी मनसा के साथ जब हम यहाँ से जाएं, तो केवल हम मुफ्ती साहब इसके वजह से ना जाएं कि आज का ये कार्यक्रम है और हमने मिठाई खाई, बधाई दी और चार बातें आपने मेरे जैसे लोगों की सुनी, मुफ्ती साहब की सुनी, और आप चले गए अपने घरों को, तो मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद पैगंबर साहब की जो संदेश जिस मनसा के साथ उन्होंने इस धरा में जन्म लिया वो पूरी हो पाएंगी। अगर हम सही मायने में, अगर हम मोहम्मद पैगंबर साहब के अनुयायी हैं, तो इस पल के साथ इस कार्यक्रम से जाएं कि हम न केवल कल से बल्कि आज से और अभी से
उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम अपने दैनिक दिनचर्या में उसका मनन करने का काम करेंगे, उसको हम लोग अपने आम दिनचर्या के अंदर हम लोग उसको अमल में लाने का काम करेंगे। इसी मंशा के साथ पुनः आपका बहुत धन्यवाद। कमेटी का मैं बहुत पुनः मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे ये शुभ अवसर प्रदत्त किया कि मैं आप लोगों के बीच में आ सकूं। बहुत धन्यवाद, पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मैं आज इस पर्व की आपको सबको बधाइयां देती हूं, और भाई त्रिभुवन भाई ने इतनी बातें कही वो हम सबको पता है, हमें अगर चैन और अमन से रहना है, जैसे भाई ने बताया कि अल्लाह भी वही है, राम भी वही है, यीशु भी वही है और गुरु नानक साहेब भी वही है, हमें सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। हम अगर मैं प्रोग्राम में आई हूँ, मैं भी ये कहती हूँ कि मैं यहाँ से कुछ लेके जाऊँ, हम सबसे पहले हमें एक अच्छे इंसान बने। हमें आपस में बहुत वही कोई फर्क नहीं है, वही खून हिंदू में है, वही मुस्लिम में, वही यीशु में उनमें और उसमें है, लेकिन यही हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, हमारा सोच अच्छा होना चाहिए, जो कि नैनीताल में बहुत अभी चैन और अमन है। वैसे मुफ्ती साहब ने जो बातें कही मेरी भी उतनी, चाहे मैं वैसे लखनऊ से हूँ लेकिन मेरी उर्दू उतनी अच्छी है, मैं समझ तो बहुत कुछ रही थी, लेकिन आज आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। यहाँ पर कोई ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं इतने 35 साल से हो गए मेरी शादी के, मैं देखती हूँ नैनीताल में बहुत चैन और अमन, ये हम लोग यहाँ पर बहुत भाईचारे से रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये भाईचारा हमारे आसपास में बना रहे, हमारे में कोई मतभेद ना हो, हम किसी की बातों में ना आए, हमें अपना सोचना चाहिए। मैं बाजार में रहती हूँ, मेरे अगल बगल सारे मेरे मुस्लिम भाई रहते हैं, मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, और हम आपस में ऐसे रहें, हम लोगों को अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। कोई धर्म नहीं सिखाता है कि कोई चीज गलत नहीं सिखाती है, ना हिंदू में, रामचंद्र जी भी वही कह के गए, पैगंबर जी भी वही कह के गए, ईसा मसीह ने भी वही कहा, फिर हम क्यों लड़ते हैं, हम क्यों लड़ते हैं आपस में क्यों, ये हमने खुद सोचना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं है, हमें सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। मेरी बहनें भी पीछे बैठी थी, मैं चाह रही थी वो भी इधर बैठे, और मैं बहुत बहुत बधाई अपने भाइयों को देती हूँ, मैं तो काफी लोगों से जुड़ी हूँ, लेकिन मैं दिल से आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, मेरी अगर कोई गलती हो तो माफ करिएगा, लेकिन मैं चाहूंगी कि हम नैनीताल में रह रहे हैं, बहुत चैन अमन से रहे, जो प्यार हमारे यहाँ है उस प्यार को हम बरकरार रखें। वो मैं देखती हूँ हम लोग जैसे भाई ने कहा सारे पर्व हम मनाते हैं, मैं तो विशेषकर लखनऊ से रही हूँ तो मुझे तो सब चीजें पता है, लेकिन यहाँ दरअसल बहुत भाईचारा है, आगे बना के रखें। और मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने बच्चों को, अपने आखिर में मेरे लग पर हुजूर की बातें, मेरे लब पर हुजूर की बातें, तीरगी में है नूर की बातें, तीरगी में है नूर की बातें, सबसे अच्छा है बस हुजूर का नाम, सबसे अच्छा है बस हुजूर का नाम, सबसे अच्छी हुजूर की बातें, सबसे अच्छी हुजूर की बातें, सबसे अच्छी हुजूर की बातें, लबे आदम से ता मसीही रही, लबे आदम से ता मसीही रही, आप ही के जहूर की बातें, आप ही के जहूर की बातें, और पे कहे वो सब जानते हैं सबा, पे कहे वो सब जानते हैं सबा, इस दिले ना सबूर की बातें, पे कहे वो सब जानते हैं सबा, इस दिले ना सबूर की बातें। मैं तमाम मेहमान खुसूसी का शुक्रगुजार हूँ, और आखिरत में मैं बेहद जनाब मुफ्ती जुनैद उल कादरी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने इतनी मशरूफियात के बावजूद मुरादाबाद से सुबह सफर करके यहाँ तशरीफ लेकर के आए, और आपकी तबीयत भी अभी इस वक्त अलील है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। और मैं ईद मिलादुल नबी कमेटी के सदर साहब से गुजारिश करूंगा कि मुफ्ती साहब को शॉल पहना करके उनका इस्तकबाल किया जाए, और तमाम मेहमान से गुजारिश करूंगा कि वो भी मुफ्ती साहब के साथ, और मैं मेहता सर से फतेहाल सर से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी तशरीफ लेकर के आए, मनोज भाई एम मुफ्ती साहब का तो इस्तकबाल के लिए आए।
क्या बता रहे हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मरहबा, 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 मरहबा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के आए, हम सबको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमतों से बरकतों से सरफराज अता फरमाए। इंशाअल्लाह अज़ीम मुफ्ती साहब दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीम इसके बाद सलातो सलाम के बाद दुआ होगी, उसके बाद हम लोग सब अपने अपने घरों को तशरीफ लेकर के जाएंगे। तमाम लोगों को गुजारिश है कि भाई लोगों के लिए लंगर का एहतमाम है, वो पीछे तशरीफ ले जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। सलातो सलाम के लिए मैं गुजारिश करूँगा रिजवान भाई। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं सब लोग, अपनी जगहों पे खड़े रहे, अपनी जगहों पे, अपनी जगहों पे खड़े रहे। Ya Nabi Salam Alayka, Ya Rasul Salam Alayka, Ya Habib Salam Alayka, Salawatullah Alayka, Aapka Tashreef la di
के फजाइल कमालात का बयान हुआ, मौला ताला उनकी तारीफ और तौसीफ हुई। या इलाहा आलमीन इन तमाम आमाले हसना में जो लफ्ज़न माना से हमारे मनन कभी खामी हुआ कोई प्यारे आका हजरत मुआफ फरमा सही सही को अपनी बारगाह में शरफ कबूल अता फरमा। या इलाहा आलमीन मौला ताला इस जश्न ईद मीलादुन नबी मनाने को मौला ताला हमारे लिए जरिए आखिरत बना, दाखिले जन्नत होने का सबब बना। या इलाहा आलमीन आज इस मुकद्दस दिन मौला ताला हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन अमान अता फरमा। या इलाहा आलमीन हमारे शहर नैनीताल में अमन अमान अता फरमा, यहाँ के कारोबार में बरकतें अता फरमा। मौला ताला हमारे मुल्क हिंदुस्तान की खेती बाड़ी में बरकतें अता फरमा, गैर मुल्की ताकतों से हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा। या इलाहा आलमीन प्राकृतिक आपदाओं से मौला ताला हमारे सूबे उत्तराखंड की हिफाजत फरमा। या इलाहा आलमीन जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो कर्जे में डूबे हुए हैं मौला ताला उनको गैब से मदद फरमा। या इलाहा आलमीन जो भाई बहन कमा रहे हैं उनको अच्छे रिश्ते अता फरमा। या इलाहा आलमीन मौला ताला जो रोजी से परेशान है उनको रोजगार अता फरमा। या इलाहा आलमीन नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके मौला ताला इस मुकद्दस दिन के सबको दिन के सदके हमको जज्बा इंसानियत अता फरमा, इंसानियत का दर्द समझने की तौफीक अता फरमा, प्यारे नबी के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। जिस तरीके से मौला ताला प्यारे नबी ने अपनी जिंदगी को गुजारा हमको भी इसी तरीके से जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या इलाहा आलमीन जो जो दिली मुरादे हम लेकर के यहाँ पर हाजिर हुए हैं मौला अपने प्यारे नबी के सदके हमारी तमाम जायज दिली मुरादों को पूरा फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही नूरि अर्शिही मुहम्मदिन वअलिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या इलाहा आलमीन मौला ताला जिन जिन इस्लामी भाइयों ने मौला ताला तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यौम मीलाद पर इस मुकद्दस महफिल को मुनअक़िद करने में मौला दामे दिरामे सुखने हिस्सा लिया मौला ताला उनकी दिली आरज़ुओं को पूरा फरमा, उनकी दिली मुरादों को पूरा फरमा। मौला ताला उनके इस जज्बे को सलामत रख। या इलाहा आलमीन मौला ताला इस जज्बे के बदले मौला ताला उनको जन्नत अता फरमा। या इलाहा आलमीन प्यारे आका करीम के सदके प्यारे आका के वसीले से मौला ताला जिन लोगों के मौला ताला वालिदैन जिंदा है मौला ताला उनके सरों के ऊपर उनके वालिदैन का माँ बाप का साया तादेर कायम फरमा। या इलाहा आलमीन जिनके वालिदैन रुखसत हो गए मौला ताला या इलाहा आलमीन बेईमान रुखसत हुए उनको जन्नत में अरफा वाला मकाम अता फरमा, उनके गुनाहों को मुआफ फरमा करके जन्नत में बुलंद वाला मकाम अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही नूरि अर्शी मुहम्मद वअली वअस्हाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो दोस्तों यहाँ पर आया मैं थोड़ा लेट हो गया था तो पूरा बयान नहीं सुन पाया, लेकिन जो बाद में पटियाल जी ने कुछ बयान दिए वो मैंने सुना, आपको भी मैंने आपको दिखाया। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। मेरे चैनल में नए प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा देना, इससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। दोस्तों यहाँ पर हो रहा है, देखिए लंगर का इंतज़ाम, ये अभी मिलाद के बाद ये लंगर बांटे जाएगा और ये हमारे भाई यहाँ पर कुछ तो लंगर बना रहे हैं। तो बिरयानी हो रही है तैयार और ये इब्राहिम भाई हमारे इब्राहिम भाई जिनको कहते हैं
अच्छा स्टाफ का हेल्पर आप ही हो? हाँ। तो अभी कितने डेग बना दिए अभी तक तुमने? 60 डेग बना दिए। 60 डेग बना दिए। खाना चल रहा, लंगर चल रहा। लंगर चल रहा। और दोस्तों यह देखिए इमामबाड़ा यहाँ का नैनीताल का। नहीं भाई बैठे हुए हैं। चाहिए